एक लेकर के आए हैं जो गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों पर होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचता रहे फ्रेंड्स। तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों को गुणनखंड विधि से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, 162 के गुणनखंड करते हैं फ्रेंड्स। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से देंगे फ्रेंड, 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देंगे, 3 दूनी 6 तो 21, फिर 3 से देंगे 27, फिर 3 से देंगे 3 9, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3। तो फ्रेंड्स 162 के फैक्टर आए 2 × 3 × 3 × 3 × 3 फ्रेंड्स। यू कैन सी इन दिस क्वेश्चंस के वर्गमूल के अंदर दो दो के पेयर बनाए जाते हैं। इसी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन में हम दो समान संख्याओं के पेयर बना करके चलेंगे, 3 का एक पेयर, दूसरा पेयर, लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर 162 के गुणनखंड ये हैं, अगर इनमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई और कर दें फ्रेंड्स, तो यह संख्या 162 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी फ्रेंड्स। तो 2 का भी पेयर बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो हमारा उत्तर इसमें 2 होगा फ्रेंड्स। आइए एक और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। फ्रेंड्स ऊपर वाले क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग की बात कर रहा था, तो 2-2 के पेयर बना रहे थे। इस प्रश्न के अंदर हम 3-3 के पेयर बनाएंगे फ्रेंड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 675 के गुणनखंड करेंगे, 675 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 तो 5 15, फिर 3 से देंगे तो 7 21 तो 5 15, फिर 3 से देंगे 3 दूनी 6 तो 5 15, 5 से देंगे फ्रेंड 5 25, फिर 5 से देंगे 5 एकम 5। तो 675 के फैक्टर आए 3 × 3 × 3 × 5 × 5 फ्रेंड्स। क्योंकि ये बोल रहा है पूर्ण घन बन जाए, तो हम 3-3 के युग्म लेंगे, जोड़े लेंगे, एक हो गया 5 का, 2 ही बने, एक और 5 होना चाहिए जिससे कि यह भी पूर्ण घन बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी हमारे पास 5, क्योंकि 5 का गुणा करने पर 5 का भी जोड़ा बन जाता है फ्रेंड्स। तो एक जोड़ा ये रहा 3 का, एक जोड़ा ये रहा। घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाएंगे, जबकि वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं। जो शेष बच जाता है उसका एक और जोड़ा बना लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में बहुत होती है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या ही एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर 5 होगा, अर्थात 5 से अगर हम 675 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह संख्या एक पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, जो कि 15 का होगी, 3 5 15 का घन बन जाएगी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। यहाँ गुणा की नहीं बोल रहा, इसमें भाग देने की बोल रहा है, लेकिन काम गुणा के जैसा ही करेंगे, भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें 2-2 के पेयर बनाने होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, 2028 के सबसे पहले फैक्टर करते हैं, 2028 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे 2 पंजे 10,
और दो सत्ते 14 फ्रेंड्स। फिर हम इसमें 3 से देंगे फ्रेंड्स, तो 3 एक 3 2 बचे, तो 6 18 2 बचे, तो हम 27 फ्रेंड्स 13 से दे देंगे, 13 13 169, फिर 13 से देंगे ये आएगा। तो 2028 के गुणनखंड आएंगे फ्रेंड्स, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 फ्रेंड्स। देख सकते हैं कि 2 2 का एक समूह बना, 3 13 13 का एक समूह बना, लेकिन 3 का कोई समूह नहीं बना। अर्थात इस संख्या में अगर हम 3 से भाग लगा देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा और बाकी बची संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसलिए भागित संख्या होगी हमारे पास 3, जो कि सबसे छोटी से छोटी संख्या है। 3 से अगर हम इसमें भाग लगा देते तो 3 कट जाएगा, 2 गुणा 2 13 गुणा 13 ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें 3 का ही हम गुणा कर देते तो 3 का एक और समूह बन जाता जो कि पूर्ण वर्ग को दर्शाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर इसका 3 होगा। तो भागफल और गुणनफल की केस में ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि हम अभी कर रहे हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 13500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। दोस्तों यहाँ घन की बात कर रहा है, तो 13500 के हम गुणनखंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। ठीक है, 13500 के फैक्टर आएंगे ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि 3-3 के समूह बना लेंगे, 5 का एक समूह 3 का एक समूह, लेकिन 2 का समूह नहीं बन पाया फ्रेंड्स। अगर गुणा करने की बात करता तो एक छोटी से छोटी संख्या किस से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए, तो 2 का गुणा करते थे तो हमारा आंसर 2 होता छोटी से छोटी संख्या का गुणा करने के केस में। लेकिन अगर भाग करने के केस में बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो 2 × 4, अगर 4 से अगर हम भाग कर देते हैं तो 2 × 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या जो भागित होगी, जिससे भाग लगाया जाएगा जिस पूर्ण घन बनाने के लिए 13500 को, वो होगी 4 फ्रेंड्स। समझ पा रहे हैं, 2 का समूह नहीं बन पाया इसलिए 2 × 4 4 से भाग लगा दिया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी की संख्या पूर्ण घन है फ्रेंड। तो गुणा करने के केस में कि छोटी से छोटी संख्या किस से गुणा किया जाए कि 13500 पूर्ण घन बन जाए, तो हमारा आंसर होता 2। लेकिन अगर भागफल के केस में बात कर रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो 2 × 4 इनका मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।